नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हमने एक नई सीरीज चला रखी है जिसमें हम मात्र एक ग्रह के आधार पर किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं और हमारा ऐसा विश्वास है और हम जानते भी हैं और अब तो आप सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है कि कुंडली में एक ही ग्रह होता है जो किसी व्यक्ति के उत्थान या पतन से संबंध रखता है। बाकी योग तो हम पढ़ते ही आए हैं, योग तो होते ही हैं, बाकी सब ग्रहों का योग होता है। लेकिन हमारी जो ये थ्योरी है, इसमें हम ऐसा बोलते हैं, आकाश में तो सूर्य है, उसके आसपास पूरा ब्रह्मांड घूमता है, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है राहु हो, उसके आसपास आपका ब्रह्मांड घूमे, या केतु हो या मून हो। तो अलग अलग कुंडलियों में आपने देखा कि हमने कैसे इस नई थ्योरी को प्रतिपादित किया है और हमारे पास में बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोग हमसे जानना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो आज इसी सीरीज़ में हम अक्षय कुमार की कुंडली का विवेचन कर रहे हैं। अब अक्षय कुमार को, ये फिल्म एक्टर हैं, आप सब जानते हैं। आज की डेट में जो मैं पढ़ रहा था कहीं पर, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने 125 से ज़्यादा फिल्में की हुई हैं और उसमें से 70 से ज़्यादा जो हैं कमर्शियली सक्सेसफुल हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। एक सर्वे के अनुसार 2016 में इनका जो टोटल इनकम थी वो 30 बिलियन डॉलर थी, यानी अगर उसको मिलियंस में करें तो मोर देन 40 मिलियंस ये इनकी वर्थ है। और इसके अलावा 2021 तक जो इनकी फिल्में हुई उसमें हमको लगता है 2016 का करना एस्टिमेट था, अगर 21 में हम चल रहे हैं तो आज की अगर हम बात करें तो इनकी वर्थ शुड बी मोर देन 50 बिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा एक्टर हैं और टेलीविज़न पे भी कभी कभी आते रहते हैं, तो बहुत सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं। लेकिन ये तो आज की बात है, एक ज़माना वो था जब ये दिल्ली की के चांदनी चौक में रहते थे, उसकी तंग गलियों में रहते थे और वहाँ की बातें करते हैं कभी कभी। तो वहाँ की जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थीं, होती आज भी हैं, उनसे निकलकर फिर ये मुंबई आ गए। मुंबई की भागती सड़कों में ये जाके इनको स्थान मिला। इन्होंने कुछ ऐसा हुआ, अपने फादर को बोला कि मैं अगर दिल्ली से जाके मुंबई जाऊँ और फिर मैं कुछ और करूं तो शायद मेरे लिए बेहतर होगा। तो पिता ने भी दरिया दिल दिखाई, इन्होंने चलते हैं, तुम्हारे लिए वहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ आके इन्होंने बोला कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, वो मुझे थाईलैंड में जाना है, यहाँ से नहीं होगा। तो मार्शल आर्ट सीखा, ब्लैक बेल्ट लिया, उसके बाद में किसी रेस्टोरेंट में वेटर हुए, शेफ हुए, तो ऐसे ज़िंदगी चली। उसके बाद में मुंबई आ गए, सेटल हो गए वहाँ पर आके। तो वहाँ सेटल हुए तो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अगर भाग्य बदलता है तो कुछ भी हो जाता है, एक किसी बच्चे के पिता आए तो उन्होंने देखा ट्रेनर तो अच्छे हैं ही, इनकी जो लंबी चौड़ी बॉडी देखी उन्होंने, बोला कि भाई तुम मॉडल क्यों नहीं हो जाते हो, मॉडल हो जाओ। तो कोई शायद उनका कॉन्टेक्ट भी रहा होगा, इनको कोई मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल गया, छोटा सा था उस समय। तो अब उसके मिलते ही जो उससे एक दिन की इनकम हुई वो पूरे महीने भर से ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला अब ये काम तो करूँगा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन अपना प्रोफाइल लेके, पोर्टफोलियो लेके, फिल्मी जो एरिया है, फिल्म सिटी मुंबई की, वहाँ चले गए। वहाँ जाकर पहली मुलाकात एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती से हो गई, जो काफ़ी नामी ग्रामी हैं, रहे थे उस ज़माने में। तो
तो उन्होंने इनको फिल्म में मौका दे दिया। और कुंडली से बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं इनकी। इनका अक्षय कुमार का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1967 को दोपहर के समय अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। इनका लग्न जो है वृश्चिक है, उसमें मंगल है, शनि जो है इनका मीन राशि में यानी पंचम भाव में है, राहु मेष में है, बृहस्पति कर्क में है यानी नाइन्थ में है, सूर्य और शुक्र दशम भाव में है, और बुध एकादश में है, एग्जॉल्टेड है, और चंद्रमा और केतु द्वादश में है। तो यह कुंडली है। तो थोड़ा इनकी फिल्मों की बात हो जाए, उसके बाद में कुंडली की विवेचना तो हम करते ही हैं। तो इनकी कैरियर में निगाह डालते हैं, 2091 में सौगंध आई थी, उसके बाद में फिर खिलाड़ी की सीरीज शुरू हुई। तो खिलाड़ी नंबर वन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, और बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। तो जो सीरीज थी उसने इनको आसमान पे पहुंचा दिया। पहली फिल्म तो नहीं चली, वहाँ से इनकी सफलता का कार की जो यात्रा है ऐसी शुरू हुई, ऐसी होती नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर दिल लगी आ गई 1994 में, फिर एक उसके बाद में धड़कन आई 2000 में, तो रोमांटिक हीरो हो गए, अंदाज आ गई 2003 में, नमस्ते लंदन 2007 में, वक्त, पटियाला हाउस, और उन्होंने ड्रामा किंग बना दिया, फिर हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, सिंह इज किंग, अजनबी, गरम मसाला, राउडी राठौर, हॉलीडे, देवी, रुस्तम, टॉयलेट, प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी, तो बहुत सारी हैं। तो वहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है। अब कुंडली में निगाह डालें, कुंडली सामने भी है, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न है या मंगल लग्न में है। तो जब मंगल लग्न में है इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी कुंडली हो गई ऑटोमेटिकली। तो मंगल यहाँ पर रुचक पंच महापुरुष राजयोग बने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं योग तो बहुत हैं, लेकिन एक ग्रह से योग बनने वाले सिर्फ पांच हैं, पांच पंच महापुरुष राजयोग, उसमें से एक मंगल है। मंगल लग्न में बैठा हुआ है और नवम में बृहस्पति है। तो जब नवम में बृहस्पति है, इसका मतलब ये है कि बृहस्पति लग्न को देख रहा है, वहाँ पर मंगल है, उसका मित्र भी है, लग्न भी मित्र है और मंगल भी मित्र है, तो खुद वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, नवम भाव में, भाग्य में है। तो एक ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है, अपने आप में ही राजयोग हो जाता है। तो अगर हम देखें इस योग से, तो इस पूरे उससे क्या हुआ कि ये अनुशासन में बंध गए। इनका जो अनुशासन है, ऐसे मुंबई में बहुत कम लोग हैं जो इतने अनुशासन प्रिय हों, सिगरेट ये नहीं पीते, पान ये नहीं खाते, शराब ये नहीं पीते, जो जनरली फिल्म इंडस्ट्री के सारे कार्यक्रम होते हैं, इनका 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं 3-4 बजे। तो एक बड़ा नियमबद्ध तरीके से, वो भी ग्लैमर की दुनिया में, ऐसा हो नहीं पाता। और ये सारा कुंडली से अगर हम देखें तो मंगल लग्न में हो और लग्न वृश्चिक हो, थोड़ा सा मंगल यहाँ पर उत्पाती होता है बीच बीच में, लेकिन यहाँ पर वो गुरु के देखने से, बृहस्पति के देखने से बिल्कुल सुर में आ जाता है, वहाँ पर वो गड़बड़ नहीं करता। तो इनका जो है ये हम देख रहे हैं। जब ये फिल्मों में आए उस समय कौन कौन थे, उस समय सारे आए हुए थे, शाहरुख खान आए थे, अजय देवगन आए थे और सलमान खान आए थे, जितने भी टॉप के एक्टर्स हैं उस समय सारे आए थे, उन सब की गोविंदा थे, उन सब की अपनी बैकग्राउंड थी, कईयों की नहीं भी थी, इनकी तो बिल्कुल ही नहीं थी, अलग से लाइन थी, और अपनी दम पर, बेसिकली पर्सनैलिटी पर, उसके बाद तो सारी चीज़ें आई जाती हैं आदमी को। तो ये जो है उसमें बहुत सारे थे, इवन तीनों खान थे वहाँ पर, तो ये बहुत एक ऐसा कॉम्पिटिटिव टाइम था, उसमें अपने को इस्टेब्लिश करना
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। एक मेरे भतीजे हैं आकाश, आकाश कौशिक, वो एक दिन ऐसे बैठे थे, बता रहे थे कि अंकल एक गांव में हम, वो राइटर हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो बता रहे थे कि वो एक गांव में थे, तो सुबह 4 बजे उठ के जल्दी उठ ही जाते हैं और व्यायाम के एक्सरसाइज के सब शौकीन हैं, घर में तो जिम है ही मुंबई में, लेकिन वहाँ पर तो नहीं थे, तो अखाड़े में चले गए, तो पहलवान लोग भी होते हैं वहाँ, मुदगल पड़े थे, तो 2 मुदगल लेके जो उन्होंने घुमाए तो वो जो पहलवान लोग थे वो चकित थे, बोले कमाल है, और बोल रहे थे कि मुझे तो कुछ भी मिले, मेरी बॉडी को कुछ व्यायाम चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए, दौड़ना मिले दौड़ना, साइकिलिंग मिले साइकिलिंग, स्विमिंग मिले स्विमिंग, वरना अपना जिम तो जिंदाबाद। तो इस तरह का जो वो है, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं जिम के मोहताज नहीं है, यानी अपनी शर्तों पे जब आदमी जीना शुरू करता है, किसी भी आदमी के कुंडली कोई भी हो, जब वो अपने नियमबद्ध तरीके से अपनी कंडीशन से जीता है, अपनी सहमति, मेरा माइंड मेरी बॉडी और मेरी अप्रोच, तब फिर असंभव कुछ रहता नहीं। जिन लोगों ने भी कभी कुछ पाया है आपके आसपास, क्यों या आपने पाया हो तो आप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं बात बनती, कुछ तो होता है, कुछ खास होता है, और जिनमें खास नहीं है, हम में भी खास नहीं था, इनमें भी नहीं था, कईयों में नहीं होता, तो खास पैदा करते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुभव की बात है, मेरे पास अपना अनुभव तो है ही, लोगों के बहुत अनुभव हैं, मैंने आदमी को ज़मीन से आसमान पर उठते देखा है, यहीं पर बैठे हुए और आसमान से नीचे गिरते हुए देखा है, तो मैं देखा है, मैं जानता हूँ, कुंडली तो होती ही है, जो बढ़ता है वो अपनी दम पे बढ़ता है, जो गिरता है अपनी बेवकूफ़ी से गिरता है, दशा तो आई जाती है, वो सारे कारण तो बनते हैं, लेकिन उसकी बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा होती हैं, आप किसी का भी उठा के देखिएगा। अब ये आगे बात करते हैं, तो पंचम में शनि है, जिस शनि को गुरु देखता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक तो गुरु जो शनि जो है गुरु के घर में है, वो ही मित्र घर है उसका, और शनि यहाँ पर अच्छा ही होता है, उसको गुरु देखता है, इस पर स्वर्ग देखता है, इसका मतलब है कि शनि भी यहाँ शुद्ध हो गया है, उसमें जो भी अशुद्धियाँ थीं वो उसने सारी अपनी ख़त्म कर दी, तो बिल्कुल वो शुद्ध होकर बैठा है, ये ऐसा कह सकते हैं, ज्योतिष में कुछ लोग बोलते थे पुराने वाले, ये भी ब्राह्मण हो गया है, शनि को शूद्र मानते हैं, लेकिन हाँ ये ब्राह्मण है, वैसे पाइसेस में हो जाता है मीन में, गुरु देखे तो पक्का से हो जाते हैं, गुरु कौन सा, एग्जॉल्टेड गुरु, तो ये अपने आप में एक योग है। और शनि बुद्ध के साथ एक दृष्टि संयोग बनाए हुए है, इसके बाद में करेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु से शनि एक तरह से डरता है या उसका सम्मान करता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब बुद्ध और शनि में इस तरह का कंजंक्शन हो या आपस में दृष्टि संयोग हो, तो बुद्ध भी शुद्ध हो जाता है और शनि भी शुद्ध हो जाता है। शनि का जो दिमाग है वो रिजल्ट ढूंढता है, वरना शनि फिलॉसफी में जाता है, पंचम भाव में, अकेला शनि हो दृष्ट ना हो तो फिलॉसफर हो जाएगा आदमी, लेकिन अगर उसको बुद्ध देखता हो तो वो कॉमर्शियल हो जाता है, थोड़ा फर्क है, वरना पाइसेस में क्योंकि ये काल पुरुष से 12वां साइन है, तो यहाँ शनि दूसरे मूड में होता है, लेकिन जब वो बुद्ध से दृष्टि बनाएगा संयोग बनाएगा तो वो कमर्शियल हो जाएगा, जो तो पूरे कमर्शियल है आप जानते हैं, और जब शनि बुद्ध को देखेगा तो शनि का जो चंचलपन है या जो लड़कपन है वो फिजिकल में रहेगा, व्यवहार में रहेगा, लेकिन बुद्ध भी सुर में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा योग बन जाता है।
और बुद्धि यहाँ पर 11th में है, वो एग्जॉल्टेड है। कुछ लोग बोल सकते हैं 8th का लॉर्ड भी है। यस, 8th का लॉर्ड है, कंट्रोल में है शनि से, इसलिए वो 8th के अच्छे रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, और 11th में ये गड़बड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत शुद्ध हो गया। चंद्रमा 12वें में है, केतु के साथ है, तो चंद्रमा 12वें में कई फल हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छा होता है। ऐसा आदमी आपसे, आपकी बात सुन के, कोई नया आइडिया सुन के आपसे बेहतर उसको रिप्लाई कर देता है। चार बंदों की बात सुनी और जब इनसे पूछा गया, इन्होंने चारों की बात को संगठित करके अपनी नई बात की, तो ऐसा भी जो लोग जानते हैं इनको, ये बोलते हैं कि ही इज़ वेरी वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ इंटेलिजेंस यहाँ से आता है, हम कुंडली देखते हैं तो हमको यहाँ दिखता है। तो खैर साहब, तो इसलिए ये कुंडली बहुत शक्तिशाली है, यहाँ राहु बहुत अच्छा है छठे घर में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। शनि की मैंने बात करी थी और चंद्रमा की मैंने बात की। हाँ, दशम में सूर्य है और शुक्र है। सूर्य जो है अपने घर का है, अपनी राशि का है, अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो पूरी कुंडली अगर हम देखें तो निर्दोष है, इसमें कोई ज़्यादा दोष हमको दिखता नहीं किसी भी एंगल से। इट्स ए, यू नो, वेरी बैलेंस कुंडली। तो इस कुंडली में अब वो ग्रह की हम बात करते हैं कि साहब ग्रह कौन सा होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, मंगल भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन हमारी जो ये थ्योरी है, हम उस ग्रह को ज़्यादा महत्व देते हैं या तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। उस ग्रह को हम बोलते हैं ये करामाती था जिस ग्रह के बाद, जिस ग्रह के होने से चीज़ें एकदम से परिवर्तित हो गई। अगर कल तो आप साइकिल पर नहीं थे, आज आप सीधे जेट में उड़ गए, वो ग्रह कौन सा है? आप भी दिमाग लगाइएगा, मैं तो बताता हूँ। तो हम आर्टिकल में भी लिखते हैं, हमारे आर्टिकल भी आते हैं इस तरह के कई जगह पर, डिजिटल मिल जाएंगे आपको, TV9 में देखेंगे तो हमारे आर्टिकल्स भी आते हैं, देखिएगा। कई जगह आर्टिकल में भी कुछ बातें वहाँ लिखते हैं, कुछ बातें यहाँ करते हैं, तो हमारा ये विषय है तो ले सकते हैं कहीं भी हम। तो यहाँ पर कैरियर शुरू होता है 91 से, सौगंध फिल्म से, प्रमोद चक्रवर्ती जो उस समय के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत सफल फिल्में बनाई हैं 60s में, 70s में, 80s में। लेकिन वो फिल्म इनकी बहुत ज़्यादा नहीं चलती किसी कारण से। उसके बाद 92 से इनकी फिल्में चलना शुरू होती हैं, और 92 से जो फिल्में शुरू होती हैं वहाँ पर इनको बुद्ध की दशा आती है। अब सवाल हो सकता है साहब बुद्ध क्यों, बुद्ध में ऐसी क्या खास बात है? तो पहली बात तो दशा टाइम से आई, उससे पहले शनि की दशा थी, उसने मेहनत कराई, डिसिप्लिन सिखाया, बहुत सारी आर्ट्स में एक्सपर्टीज किया। लेकिन जब ये बुद्ध आया, उसने सबका फल निचोड़ के इनको देना शुरू किया। अब देखिए साहब, ये बुद्ध जो है, मैं ऐसे देखता हूँ, बुद्ध यहाँ पर जो है वो है, हम कभी कभी नक्षत्र भी ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बुद्ध यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में, यानी शनि के, शुक्र के नक्षत्र में, जो उसका मित्र है, शनि का, सॉरी बुद्ध का जो मित्र है वो है शुक्र। तो अपने वो शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जो है 7th का लॉर्ड भी है। इसी दौरान में बुद्ध की दशा में 2001 में शादी होती है। वो शादी किससे होती है? कल के सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कापड़िया की बेटी ट्विंकल से। तो वो जो बैकग्राउंड है वो भी शुक्र से हमको यहाँ देखने को मिलती है। बुद्ध की दशा में शादी होती है, जबकि लोग कह सकते हैं कि बुद्ध का शादी से क्या मतलब साहब, बुद्ध तो अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, लेकिन वो शुक्र के नक्षत्र में शादी भी देता है। शादी भी एक अच्छे खानदान से देता है, फिल्मी खानदान से देता है। इनका खानदान फिल्मी नहीं है, सुपरस्टार और डिंपल अपने आप में एक ज़माने में उनका अपना वर्चस्व रहा है, ट्विंकल उनकी बेटी होनहार
आजकल तो राइटिंग राइटर है बड़ी भारी, तो उसके में होता है। और जो शुक्र है साहब, शुक्र यहाँ पर, हाँ, और जो ना, हाँ, ये जो ये उसके में, और जो इनका सूर्य है वो शुक्र के नक्षत्र में, बुध शुक्र के नक्षत्र में और सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में। तो ये नक्षत्रों का एक अपना रहता है। और ये जो आपका है, क्या नाम है, शुक्र, शुक्र मघा में यानी केतु में है, और केतु चित्रा के में है यानी मंगल के नक्षत्र में पूरा बना। और 2000 से आप देखिएगा, 1992 से और 2009 तक बुध की दशा चली, शुरू में जो हुआ थोड़ा बहुत होता है झटके लगे, तो वहाँ से ये आगे बढ़ते चले गए और पत्नी आई तो बात ही अलग हो गई। और ये दशा इनकी जो है अभी केतु की ख़त्म हो गई है और अब शुक्र की दशा है। शुक्र अपने आप में अच्छा है, तो मुझे लगता है आगे चल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जाएंगे ये। और वर्तमान में जो दशा इनकी इस समय तो बढ़िया चल रहा है। शुक्र में जो है इस समय साहेब देखते हैं, अभी तो चंद्रमा चल रहा है, ठीक है, दशा अच्छी है, और भी दशाएं रहेंगी और ये शुक्र भी इनको बहुत अच्छे फल देगा। और जैसे ये बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और डिसिप्लिन हैं, ऑर्गेनाइज हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं और वेल इस्टेब्लिश हैं, तो हम चाहते हैं और आगे बढ़ें, और हमारी शुभकामना है। तो यहाँ पर जो ग्रह था वो बुध है, याद रखिएगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।